जितने भी इनके पास एनिमल्स है वो साउथ ईस्ट एशियन और एशियन कंट्रीज से। दोस्तों कितना बड़ा है यार। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोलो जर्नी। और मैं आया हूं नेपाल काठमांडू में, काठमांडू जू में। और मेरे साथ है रियान, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। हेलो, इज फ्रॉम सऊदी। यू नो, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। सो अभी हम काठमांडू जू में आए हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इंडिया के जू से, आई मीन न्यू दिल्ली के जू से और काठमांडू के जू में। सो लेट्स गो दोस्तों। अभी टिकट प्राइस एक बार कंफर्म करते हैं कि इंडियंस के लिए क्या है और अदर फॉरेनर्स के लिए क्या प्राइस है और नेपालियों के लिए क्या प्राइस है। सो लेट्स गो दोस्तों। इज द विजिटर 4000 रुपीज़, फॉर फोर्स मेंबर इज 500 एंड अडल्ट फॉर 200 फॉर सायक इज मी फॉर 500 इज फॉर यू 1000 टू फॉर इंडियंस, इंडिया के लिए दो। हाँ इंडियन है या इसी में दो हो गया या शोरूम। सो ये 2000 रुपये का हमें टिकट पड़ा है। मैंने इसको इंडियन ही बोल दिया और हमने ये टिकट परचेज किया है। ये कुछ तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों अंदर एंट्री करने के बाद काठमांडू जू में। इसको करते हैं अभी एक्सप्लोर। वाह, एंट्री तो काफ़ी सुंदर है अभी तक दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे। एक्चुअली लास्ट यस्टरडे भी, अगर मैं कल की बात करूँ, मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। पता नहीं, वो वाइब भी नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे घूमने में और डिफरेंट चीज़। सो आज हमने इसका प्लान इसलिए किया क्योंकि मे बी कल हम पोखरा के लिए निकल जाए सुबह जल्दी, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर प्लेस है वो कवर कर लूँ। मे बी जू तो कंफर्म है मेरा कवर करना, तो आज ये हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, शायद यहाँ पे घड़ियाल में भी शायद दिखने को मिल जाए आप सभी को। दे हेलो मोर, दिस साइड आपको दिख रहा होगा घड़ियाल। तो ये घड़ियाल था, अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, आपको और टूर कराता हूँ मैं। तो रेन स्टार्ट हो गई है दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं अभी क्या करें क्या नहीं, अभी थोड़ा सा देखते हैं। रियान कम इन दिस साइड। तो ये मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, आप लाइक ऑफ म्यूज़ियम की तरह कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के। ये मोर अपना, ये तो आप इंडिया में भी देख सकते हो। सैलक इंडियन पेंगोलिन, ब्लैक पैंथर, सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रियल में है नहीं ये, बट देखते हैं दोस्तों अभी आगे। चलो फाइनली दोस्तों, कि ये म्यूजियम था, इसको देखने के बाद अभी डियर मुझे नज़र आ रहे हैं, हिरन यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और नहीं, ये तो एक्सिस बारह सिंगा जिसको बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए ग्राउंड भी बनाए हुए हैं, और इधर आप देख रहे होंगे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं लाइक पिकनिक की तरह। इसको क्या बोलते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी भारत और नेपाल में मिलते हैं। कहानी अभी ऐसा कुछ नज़ारा है पूरे काठमांडू जू का,
आई होप आप मेरे वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मुझे लेटेस्ट अपडेट के लिए इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है solo.journey07 ब्लू बल। ये तो शायद इसको लोकल में हम नील गाय बोलते हैं, और ये मैंने काफ़ी बार अपने गाँव की तरफ देखा हुआ भी है इसको। ये नील गाय, ये वाला नील गाय है। ये तो काफ़ी फ्रेंडली है, हमारे बिल्कुल ही पास आके खड़ा हो गया है। ब्रेकिंग डियर। तो ये भी एक हिरन है, इसकी प्रजाति। तो आप उधर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नेपाली लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं जिसको समझ में आती है वो पढ़ सकता है, पर मुझे नहीं आती। डोंट फीड द एनिमल्स, ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप पढ़ सकते हैं इधर। आई डोंट नो, ये मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा बड़ा जू है, बट फिर भी हम देखते हैं कि ये कितना बड़ा निकलता है और कितना नहीं। तो स्टार्ट हुआ सांबर डियर, आप ये भी देख सकते हैं सांबर डियर। ये भी साउदर्न एशिया में पाया जाता है, नेपाल इंडिया में, बर्मा थाईलैंड एंड इसमें। ये नज़दीक आप इसको देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा था इसको। सो ये भी आप देख सकते हैं, हाँ ये बैठा हुआ आप ये देख सकते हैं इधर नीचे। ये और इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा एनिमल है। अभी सिर्फ आप इसकी फोटो देखिए। ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर मिलते जुलते एक से लग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ब्लू बुल करके इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ये इसकी इंफॉर्मेशन सेम अगेन, आई थिंक इनके पास जितने भी मोस्ट ऑफ द जितने भी इनके पास एनिमल्स हैं वो साउथ ईस्ट एशियन और एशियन कंट्रियों से ही बिलोंग कर रहे हैं। अभी चल के देखते हैं आगे अगर इनके पास कोई डिफरेंट या फिर अफ्रीकन कुछ एलिफेंट्स या दिस काइंड ऑफ एनिमल हो तो इनके पास शायद। वाइल्ड बोर, ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है जंगली सुअर, वो पोटी करने लग रहा है। यार अपनी लोकल भाषा में बोला जाए तो एक तरीके से सुअर ही है, जंगली सुअर ही है। सो ऐसा कुछ है, हिप्पोस के लिए आई थिंक उधर मुझे जाना पड़ेगा, बट पहले इधर एक बार जाके देख लेते हैं। रेशियस मंकी इसका नाम है, ये डिटेल्स लिखे हुए हैं। मैं इसको क्लोजली दिखा देता हूँ, ये मुझे लंगूर नज़र आ रहा है। हाँ लंगूर ही है, कॉमन लंगूर। परेशान कर راك عام سيدي، اي ثينك هي از انجري دوك قاعد يا سو यहां पे हम रॉयल बंगाली टाइगर देख सकते हैं। आप यहां से देखिए दोस्तों कितना बड़ा है यार, आपको नजर आ जाएगा। उम्मा में के शेर खान वाले में के वो ये इधर ही घूमना स्टार्ट कर दिया। चलो अच्छा है, कम से कम नज़र आ जाएगा आपको अच्छे से कितना बड़ा साइज है इसका। सो
अच्छा ऐसा कुछ लग रहा था कि हमें स्पेशली दिखाने के लिए आया था अपने आप को। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखकर। ये भी बंगाली था इधर, आप देख सकते हैं। आई थिंक ये सब इंडिया से इन्होंने मंगाया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ है इनको। हिप्पोज है यहाँ पे यार, मुझे हिप्पोज बहुत पसंद है दोस्तों। तो देखते हैं, हाँ ये हिप्पोज देखने से पहले ग्रेट वन ऑफ हार्नेड राइनोज। सो ये राइनोज है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, ये भी शायद इंडिया से इंपोर्ट ही हुआ किया हुआ है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ये नेपाल और भूटान में भी पाए जाते हैं। सो मे बी शायद इंडिया से इंपोर्ट हुआ, और मे बी आई एम नॉट श्योर। आप कभी भी जू में विजिट करते तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, और जानवर से अपने रूम के अंदर चले जाते हैं तो देखने में काफ़ी परेशानी होती है। देखते हैं ऑल्सो, सो ऐसा कुछ नज़ारा। आप आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। सो अभी आपको और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या घूमने के लिए। अगर आप यहाँ आते हैं जू में, तो मैं इसका एक बार टिकट प्राइस बता देता हूँ फॉर सार्क कंट्री, जो कि सार्क कंट्री का आपको पता होगा, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं इनके लिए टिकट 500 का है। अगर अदर ऑफ कंट्रीज़ है तो उनके लिए 1000 रुपीज़ का है, और मे बी नेपालियों के लिए शायद 100 रुपये का टिकट है। बाबा टिकट कितने का लिया? 100 रुपये का टिकट कितने का? 100 का है नेपालियों के लिए? 200। ओके ओके, हमारा 500। हाँ इंडिया से भाई, सब देखिए दोस्तों। वाह, सो यहाँ पे आप चिल आउट भी कर सकते हैं दोस्तों, बोट रेंट करके, और आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ आए हैं तो इधर आप चिल आउट कर सकते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। वो पानी से थोड़ा बाहर आ गया था तो इसलिए हम जल्दी से भगते हुए आगे किसको अगेन देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं, अगर आपको क्लियर नज़र आ जाता है तो पानी। ये बिल्कुल ही पास आ गया है। एक और चीज है रेड मंकी, सो आई विल शो यू। ये मेंशन है इधर, और आप ऊपर देख सकते हैं ये काले रंग का, क्या ये पतास मंकी आप देख सकते हैं इधर। आइया मोना मंकी, सॉरी आपको अभी नजर आएगा। ये मंकी आप चेक करेंगे घाना में, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। लुक एट, अगर आपको नज़र आ रहा है तो हाथी। बट यार मुझे ना ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है कि इनको ऐसे बेल वगैरह लगा के रखते हैं। ज़रूरी है बट इसके लिए कुछ अलग ऐसा खुला भी बना सकते थे जिससे कि इसको प्रॉब्लम ना हो, बट इसको हम काफ़ी पास से देख सकते हैं इसके बंदे होने की वजह से। तो आप देखिए कितना सुंदर जीव है दोस्तों, ये हिमालय ब्लैक बियर। तो हिमालय वाला जो काला भालू है ये इंडिया में भी पाया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। ये घूम रहा है इधर, शायद आपको नज़र आ जाएगा, ये इधर से वॉक करेगा जब। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल पास आ चुका,
काफ़ी टाइट लग रहा है मेरे को ये. आई एम जस्ट किडिंग. इन्होंने मैप बनाया हुआ है इसका जू का, कि किस जगह जाके आप क्या चीज़ देख सकते हैं. तो इसके बीच में एक लेक भी है जिस पे आप राइड वगैरह कर सकते हैं, आप थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. इधर आप ये देख सकते हैं. ये डिफरेंट वाले हैं, इसको स्लोप ही है. काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं दोनों. ये चिंपांजी सो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे स्कैर्ड हो गए, बच्चे डर गए हैं चिंपांजी को देख के पास में. चलो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और नेक्स्ट क्या है इधर देखने के लिए. शुतुरमुर्ग. तो दोस्तों ये शुतुरमुर्ग है, तो ये आप शुतुरमुर्ग के बारे में पढ़ सकते हैं. अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, सभी कुछ अफ्रीकन एनिमल्स बर्ड्स हमें नज़र आने लग गए हैं इससे पहले नहीं. आप ये और देख सकते हैं, मुझे इसका नाम पता नहीं है बट मैं आपको इसके बारे में भी अभी दिखा देता हूँ. ईमो. ओ राइट, पहले नाम सुना है. तो शुतुरमुर्ग पास आ रहा है, इसको यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं. सो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों यहाँ का. उल्लू जिसको हम बोलते हैं. ये आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों. ये तो डक, शेल डक. सो ये सारस था, कुछ फ़ोटो में क्लिक करने लग गया था. तो आप ये देख सकते हैं, अभी मैंने आपको शो किया था. अगर नहीं आपको मैं शो किया तो मैं आपको एक बार फिर से करा देता हूँ. एक ये और एक वो आगे ये सारस है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे. सो काफ़ी सुंदर सुंदर हैं मुझे नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, बट मे बी शायद आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो बिकॉज ऑफ कैमरे की वजह से और इसकी जूमिंग, इसमें जूमिंग कुछ ख़ास नहीं है. सो इन्होंने जो ये ग्रिल्स वगैरह है और इसको अच्छे से क्लीन भी नहीं किया हुआ जिसमें प्रॉपरली आपको नज़र आए, बट सम बर्ड्स और सम एनिमल्स शायद आपको अच्छे से नज़र आ चुके होंगे. ये एक बर्ड आप देख रहे होंगे बिल्कुल पास से, मैं दिखा देता हूँ बैठा हुआ है नीचे. ये इधर नीचे बैठा हुआ है. ये क्या है? डोवे, एमरेल्ड डोवे. दिस इज सेनेगल पैरट. एक और बर्ड, ये लव बर्ड, फ्रेंच फॉर्स्ट लव बर्ड का बोल बोलते हैं, आपको नज़र आ रहा है. या ओरिएंटल पीड हॉर्न बॉल. या ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा है. टर्की कंट्री के ऊपर नाम है इसका यार, टर्की. और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं.
आई थिंक रियान काफ़ी थक चुका है मैं काफ़ी स्लो स्लो घूम रहा हूँ इस वजह से। तो ये कोर बर्ड है यहाँ पे, आप चेक कर रहे हैं, आई थिंक ये अफ्रीकन पैरट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मकाओ या ब्लू एंड येलो मकाओ, ब्राज़ील बोलीविया पैराग्वे वगैरह यानी अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। लग गई सो अपनी काला चील इसको लोकल भाषा में बोलते हैं। हिमालयन गिद्ध, हिमालयन ग्रिफोन, तो ये हिमालयन गिद्ध है जो कि नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, आज देख ही लीजिए। Which one? When you said this is eagle, I said not eagle. This one is eagle. Oh, black kite. Yeah. Yeah. So, दोस्तों मेरे GoPro की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, 3% बैटरी बची है, तो मैं एक बार पहले बैटरी चेंज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे अगेन मिलते हैं दोबारा इसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए। सो फाइनली बैटरी चेंज कर लिया दोस्तों, और आप अभी ये देख रहे होंगे बस काफ़ी कलरफुल और काफ़ी सुंदर मुझे नज़र आ रहा है बस रिंग नेकेड, ये भी आप देख लीजिए। ओहो रिंग एंड अफ्रीकन ग्रे पैरट, अफ्रीकन ग्रे पैरट भी है इधर जो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, वो उड़ के पीछे गया है। तो इन्होंने कुछ दो बर्ड एक साथ भी रखे हुए हैं, या स्नोली काजिल। लेडी एम से मैं जैकल की बोल रहा था, वो आप देख सकते हैं, ये भी नेपाल इंडिया श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। सबसे नज़दीक वाले मैं आपको दिखा देता हूँ, नज़र आ जाएंगे ये। ये आप देखिए दोस्तों एक बार, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये तो सामने बैठा हुआ है वाइट कलर का, शायद आपको नज़र आ गया होगा। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर कोई इसका नाम नहीं लिखा हुआ, ये कोबरा निकाले हुन्छ होला नि, खै उनीहरूले लगाउँछ कि आफू हामीले पैसा दियो भने लगाउने, डराएन भने लगाइदिने। सो ये इतना ही है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशन, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा फॉर माय सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, सो अभी तक के लिए इतना ही, बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मे बी कल हमारा पोखरा का प्लान है तो शायद हम आपको पोखरा जाते हुए मिले आपको।